हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने खड़ी हैं दो बाइक, दोनों ही फेल फेयरिंग के साथ आते हैं, दोनों ही 200 सीसी की बाइक्स हैं। एक है आपकी आरसी 200 और दूसरी है आपकी आरएस 200, तो केटीएम और बजाज। तो भाई जल्दी से कर लेते हैं कंपैरिजन। और यहाँ पे हमने एक चेंज किया है कि आरएस में अभी तक जो आपका था वो आपका 41 टीथ वाला पॉकेट आता था, और इसकी जो BS7 वाली ये बाइक थी इसकी टॉप स्पीड बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, 147 पे ही इसका लिमिटर आ जाता था। बट अब हमने फाइनली इसका पॉकेट चेंज कर दिया है और इसमें लगाया नई वाली NS का पॉकेट जो कि आपका 39 टीथ के साथ आता है। और देखते हैं इसकी टॉप एंड में क्या डिफरेंस आया है। और RC आपकी सेम है जैसी की होती थी, अच्छी बाइक है, इनिशियल काफ़ी अच्छा है यार RC का, मानना पड़ेगा। पावर को आपको पता ही है क्या डिफरेंस है, RS आपकी 24.5 PS, RC आपकी 25.5 PS। और जो इनका टॉर्क है उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है, 18.7 19.2 0.5 न्यूटन मीटर के आसपास का डिफरेंस है, उतना ही डिफरेंस पावर में भी है। तो जल्दी से कर लेते हैं कंपेयर, और सबसे पहले मैं चलाऊँगा RS। हो भाई थक जाते हैं, इतना बांध रखा है सामान ना कि हाफ जा रहे हैं आजकल बोलते बोलते। चले और भाई शॉर्ट वॉट भी आजकल बना रहे हैं हम लोग, रील वील बना रहे हैं। भाई इंस्टाग्राम पे जाओ देखो, IM.SoloTraveler है इंस्टाग्राम ID, कनेक्ट करो साथ में भाई। आरसी निकल चुकी है आगे, आरसी निकल चुकी भाई, नहीं सीएल आरसी को बीट कोई नहीं कर सकता, टॉप एंड में देखते हैं। कितनी देर रहेगी आगे ये देखने वाली बात है। Yeah.
वो आ गई भाई बगल में आ गई। अभी तक आरसी से कोसों दूर रहती थी, अब आरएस आरसी से 19-20 का डिफरेंस आ रहा है बस। और मुझे लगता है थोड़ी सी टॉप स्पीड और होती तो यार बीट भी कर देती। काफी मजा आई भाई चलाने में। कितने की थी टॉप स्पीड मेरी? वही 155। काफी बढ़ गई है भाई, थोड़ी बढ़ी है। पहले गैप हो जा रही थी, आरसी कितनी आगे निकल जाती थी। तो चलो करते हैं। भाई देखते हैं, इनिशियल में आरसी को भाई जल्दी को टक्कर नहीं दे पाता, ना आरएस ना R15 FM। आगे निकल चुकी है, आरसी ज्यादा आगे नहीं है। मैंने फिफ्थ गियर डाल दिया। और आरसी में लिमिटर भी आ गया भाई। देखो इतनी जल्दी अपनी टॉप स्पीड अचीव करती है आरसी, इतनी जल्दी टॉप स्पीड अचीव करती है। मतलब अगर आपको इनिशियल पसंद है गाड़ी का, अगर आपको एक्सीलरेशन पसंद है, भाई आरसी से बेटर बाइक नहीं है 200 cc में।
मेरी जल्दी यार मजा आती है भाई। मैं वो जो थ्रिल आरसी को चलाने में मिलता है ना भाई, 200 सीसी के अंदर मुझे नहीं लगता किसी भी बाइक को, इवन ड्यूक को चलाने में वो थ्रिल नहीं मिलता है जो आरसी को मिलता है भाई। इतनी जल्दी टॉप स्पीड अचीव करती है, दिल खुश कर देती है। लोग बोल रहे हैं, बोलते हैं कि भैया करिश्मा पीछे कर देगी। अरे कहां, किसी भी एंगल से नहीं उसको इनिशियल में पीछे कर पाएगी भाई। भाई करिश्मा को टॉप स्पीड अचीव करने में कितना टाइम लग जाता है, वो आरएस जैसी है। ये भाई स्टार्ट होती है, मतलब अभी हम लोग बड़े टॉप स्पीड अचीव वही चीज है ना, बहुत 200 सीसी सेकंड में बहुत इनिशियल फास्ट है, इसको चलाने में मजा बहुत आती है, बहुत मजा आती है। तो ये था, लेकिन भाई आपने देखा कि NS कैस पॉकेट लगने के बाद RC को 19-20 का टक्कर दे रही है RS, मतलब एकदम ऐसे ऐसे रहती है। तो भाई मज़ा आ गई है, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये ड्रैग रेस कैसी लगी। और अभी भी मुझे लगता है 200 सीसी के सेगमेंट पे जो किंग है वो RC ही है भाई। इतना ज़्यादा फ़न और किसी बाइक को चलाने में नहीं आ सकता आपको 200 सीसी में, जितना फ़न आपको RC में चलाने में आता है। कोई भी बाइक आपको ऐसी थ्रिल नहीं दे सकती। तो इसी के साथ ये ड्राइवर सेंड करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरा यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, IAM.SoloTraveler इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ राइट हैंड राइट सेफ, दिस इज़ राम सोलो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।